नमस्कार दोस्तों, तो फ्लिपकार्ट पे हर दिन अलग अलग स्मार्टफोन का प्राइस रिविलेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जैसे कि वीवो, इन्फिनिक्स या फिर बाकी ब्रांड की तरफ से हो चुका है। लेकिन अमेजोन का क्या? तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा अभी तक अमेजोन पे स्पेशली सैमसंग ब्रांड की तरफ से कौन कौन से डिवाइस का प्राइस रिविलेशन हुआ है, ऑफर के टाइम में किस प्राइस पर में मिलेगा, कौन से कार्ड का ऑफर और कितना ऑफर मिलेगा, इस वीडियो में हमें सब कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना कोई वक्त का आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसी टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सबसे कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, तो हर बार की तरह हम एकदम लाइव देखेंगे कौन कौन से स्मार्टफोन के ऊपर क्या क्या ऑफर है। इसके लिए अमेजोन ओपन करना है। ये जो आप देख सकते हैं फेस्टिव प्राइसेस रिवील्ड ऑन टॉप ब्रांड्स, सैमसंग के ऊपर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं सैमसंग के बहुत सारे स्मार्टफोन के ऊपर जो प्राइस वो ऑलरेडी रिवील हो चुका है। तो जो पहला स्मार्टफोन गैलेक्सी M04, इस स्मार्टफोन का नॉर्मल टाइम में प्राइस कितना है? एग्जैक्टली 7000 के आसपास, मतलब 6500 से 7000 के आसपास। लेकिन अभी स्मार्टफोन का प्राइस है एग्जैक्टली 6500 रुपए। और अगर हम इसके कार्ड ऑफर के बारे में बात करें, इसके ऊपर आपको डिफरेंट बैंक की तरफ से बस 250 रुपए का ऑफ आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल HSBC की तरफ से 250 रुपए का ऑफ, और उसके साथ वन कार्ड या फिर बाकी कार्ड की तरफ से 250 रुपए का ऑफ, मतलब टोटल 250 रुपए का ऑफ आपको मिलेगा। और अगर मैं सैमसंग के ब्रांड वैल्यू को देख के इसका ओपिनियन देता हूं तो 6500 पे नो डाउट सैमसंग की तरफ से बहुत ही बढ़िया चॉइस है। नेक्स्ट गैलेक्सी M13, जिसका फ्लिपकार्ट वाले एडिशन का प्राइस है गैलेक्सी F13, इसका नॉर्मल टाइम में प्राइस है एग्जैक्टली 10000। अभी ये फोन आपको मिलेगा एग्जैक्टली 9200 पे, मतलब इन लोगों ने कैश डिस्काउंट दे दिया है टोटली 800 रुपए का, मतलब नो डाउट ठीक ठाक ऑप्शन है। और अगर हम इसके बैंक ऑफर के बारे में बात करें तो HSBC के क्रेडिट कार्ड के EMI की मदद से इसके ऊपर आपको 1200 रुपए का डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो अगर किसी के पास ये वाला कार्ड है उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया चॉइस है। लेकिन हाँ, ये चीज ध्यान में रखना, ये एक्चुअली सेल शुरू होने से पहले का बैंक ऑफर है। जैसे ही सेल शुरू होगा ये सभी के सभी ऑफर रिप्लेस हो जाएगा SBI के ऑफर की मदद से। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैलेक्सी M33 5G। मैंने देखा था इसका नॉर्मल टाइम में प्राइस है वही 16-17-18 के आसपास, और आप देख सकते हैं अभी स्मार्टफोन का प्राइस है 17000। तो इसका मतलब नॉर्मल टाइम के मुकाबले इसमें आपको ज्यादा कोई डिस्काउंट तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम कार्ड ऑफर की बारे में बात करें, इस फोन के ऊपर आपको 1250 रुपए का SBI का कार्ड ऑफर आपको मिलेगा। और मेरे ख्याल से जिन लोगों के लिए SBI का कार्ड है तो एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है, क्योंकि पहली बात तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक ठाक प्रोसेसर, बढ़िया क्वालिटी का बैटरी सिस्टम इसमें आपको मिलेगा। तो इसीलिए अगर सैमसंग की तरफ से कोई 15-16000 के आसपास कार्ड ऑफर मिला के फोन लेना है, ये जो चॉइस आप लोगों के लिए ठीक ठाक होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैलेक्सी M34 5G। और मेरे ओपिनियन के हिसाब से अगर आपका बजट है वही 16-17000 के आसपास, तो इससे बेटर ऑलराउंड सुपर एमोलेड, वो भी सैमसंग की तरफ से बिगर डिस्प्ले, बढ़िया कैमरा, ऐसे कॉम्बिनेशन वाला स्मार्टफोन आज के दिन में मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस स्मार्टफोन का नॉर्मल टाइम प्राइस है प्रोबेबली 16 या फिर 17000 के आसपास। और आप देख सकते हैं अभी इन लोगों ने एक्चुअली प्राइस बढ़ा दिया है, लेकिन इधर इन लोगों ने लिखा है इसका प्राइस फेस्टिवल के टाइम होगा 15000। इसलिए मुझे इतना लग रहा है नॉर्मल टाइम इसका जैसा प्राइस है 17000, सेल के टाइम इसका एक्चुअल प्राइस होगा 17000, और उसके ऊपर आपको किसी बैंक के कार्ड की तरफ से 2000 का डिस्काउंट मिलेगा, जिसके कारण इसका अल्टीमेट प्राइस होगा 15000। प्रोबेबली SBI की तरफ से स्पेशली इसके ऊपर आपको 2000 का डिस्काउंट आपको मिलेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है SBI की तरफ से आपको 1500 का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन इसका एक्चुअल विदाउट कार्ड वाला ऑफर होगा 16500 के आसपास। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैलेक्सी M14 5G, इसका नॉर्मल टाइम प्राइस है 14000। पूरे साल इसके ऊपर आपको 1500 का कार्ड डिस्काउंट मिलेगा, मतलब फोन आपको मिल जाएगा 12-13000 के आसपास। और अगर हम अभी इसके प्राइस के बारे में बात करें, देखिए इन लोगों ने एज यूजुअल प्राइस बढ़ा दिया है, अभी इसका प्राइस है एग्जैक्टली 15000 रुपए। डेफिनेटली बहुत ही ओवर प्राइस है, मतलब इन लोगों ने जानबूझ के प्राइस बढ़ा दिया है जिससे कि ऑफर के टाइम इसके ऊपर डिस्काउंट दे सके। अगर हम इसके ऑफर के बारे में बात करें, देखिए इन लोगों ने लिखा है इफेक्टिव प्राइस है 10500 रुपए। इसका मतलब जितना मुझे लग रहा है अभी इसका जो प्राइस है 14500 रुपए, इसके ऊपर आपको प्रोबेबली 2000 का नॉर्मल कैश डिस्काउंट मिलेगा, उसके ऊपर आपको 1500 के आसपास और आपको कार्ड डिस्काउंट को मिलेगा। तो ऐसे इस फोन का अल्टीमेट प्राइस होगा 10500 रुपए। नेक्स्ट गैलेक्सी A54 5G। अभी देखिए पहले मैं ये चीज कहना चाहूंगा, ये जो स्मार्टफोन इसका मैंने अलग अलग वेबसाइट पर रिव्यू देखा है, फोन ठीक ठाक है, लेकिन जिन लोगों को सिर्फ सैमसंग की तरफ से फोन लेना है उन लोगों के लिए ठीक ठाक ऑप्शन है, वरना ये एक्चुअली अभी के टाइम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस स्मार्टफोन है, स्पेशली इसके प्रोसेसर के लिए, क्योंकि इस स्मार्टफोन का अभी इसमें प्राइस है 37000 रुपीज, ऑफर मिला कि आपको मिलेगा 35000 रुपए, मतलब 2000 का प्रोबेबली SBI की तरफ से ऑफर आपको मिलेगा।
नेक्स्ट गैलेक्सी A34 5G, ये भी एक ओवर प्राइस स्मार्टफोन है, स्पेशली इसके प्रोसेसर के कारण। इसका नॉर्मल टाइप प्राइस है 29,000 के आसपास, लेकिन अभी ये फोन आपको मिलेगा कार्ड ऑफर मिला के 27,000 के, मतलब ज्यादा कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एकदम फ्लैगशिप लेवल का, तो ये जो स्मार्टफोन गैलेक्सी S23 5G प्रोबेबली नॉर्मल टाइम प्राइस है 80,000 के ऊपर। देखिए इसका दो वेरियंट है, एक का प्राइस है 75,000, दूसरे वेरियंट का प्राइस है 80,000 रुपीज। लेकिन अगर आपके पास SBI का कार्ड है तो इस फोन के ऊपर आपको 7,500 का डिस्काउंट मिलेगा, जैसे कि देख सकते हैं SBI का क्रेडिट कार्ड। देखिए मैंने इससे पहले आपको कहा था अगर आप क्रेडिट कार्ड को EMI पे इस्तेमाल करेंगे तो नॉर्मल के मुकाबले ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो इधर भी आप देख सकते हैं अगर आप SBI के क्रेडिट कार्ड को EMI पे यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 7,500 का डिस्काउंट, अगर आप SBI के क्रेडिट कार्ड को पूरा पहले पेमेंट करेंगे तो आपको मिलेगा 6,200 का डिस्काउंट, अगर SBI का डेबिट कार्ड है तो मिलेगा 1,000 का डिस्काउंट। और मेरे ख्याल से जिन लोगों के पास SBI का क्रेडिट कार्ड है उन लोगों के लिए गैलेक्सी S23 एक बहुत ही बढ़िया अल्टीमेट डिवाइस होगा 65,000 रुपीज के आसपास। मतलब समझ लीजिए ये जो स्मार्टफोन आईफोन 14 का एक परफेक्ट वाला कॉम्पिटिटर हो सकता है। इसके बाद गैलेक्सी A14 5G, अभी देखिए जिन लोगों को ये जो M14 5G पसंद नहीं है उन लोगों के लिए A14 5G बेटर चॉइस है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसे लेने का कोई फायदा नहीं, जो M14 या फिर जो A14 उसे लेने की कोशिश कीजिए, आप लोगों के लिए बेटर वैल्यू फॉर मनी होगा। तो इसलिए A14 वाले ये जो स्मार्टफोन इसे रिजेक्ट कीजिए। नेक्स्ट गैलेक्सी S22 अल्ट्रा, पिछले साल का सबसे बेस्ट सैमसंग का स्मार्टफोन, इसका नॉर्मल टाइम प्राइस रहता है प्रोबेबली 80,000 से 85,000 रुपीज के आसपास। लेकिन आप देख सकते हैं अभी इसका जो 12 250 cc वाला जो वेरियंट इसका प्राइस है 1,10,000, लेकिन अगर आप अमेजोन के जो ग्रेट इंडियन सेल के ऑफर के टाइम लेंगे तो इसका प्राइस होगा बैंक ऑफर मिला के 75,000 रुपीज पे, जो कि मेरे ख्याल से एक अल्टीमेट डील है। मतलब जितना मुझे लग रहा है शायद इस स्मार्टफोन का प्राइस कम होकर हो जाएगा 85,000 और 10,000 का शायद कार्ड के ऊपर डिस्काउंट आपको मिलेगा, मतलब नो डाउट बहुत ही बढ़िया डील है। वैसे देखिए मैंने पहले ये चीज कहा था जब किसी नया सेल आता है उसमें जब ऐसा रहता है कि अमेज़न ग्रेट इंडियन सेल पावर्ड बाय समथिंग, उस चीज के ऊपर डेफिनेटली ध्यान रखना। और ये जो इस साल का जो अमेज़न ग्रेट इंडियन सेल इस बार आपको मिलेगा पावर्ड बाय गैलेक्सी S23, इसका मतलब डेफिनेटली इस साल आपको स्पेशली गैलेक्सी S सीरीज के स्मार्टफोन के ऊपर मेजर डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसके बाद गैलेक्सी S20 FE, वैसे देखिए ये जो स्मार्टफोन अगर आप ना ले तो आप लोगों के लिए बेटर होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि इस स्मार्टफोन के अंदर आपको ऑप्टिमाइजेशन रिलेटेड बहुत सारे इशू मिलेगा और इसका जो स्नैपड्रैगन 865 इस वेरिएंट पे वारंटी क्लेम करने के बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसे मेरे ख्याल से अगर आपको 25,000 रुपीज के आसपास एक ऑलराउंड वाला सैमसंग की तरफ से फोन लेना है आप ले सकते हैं, वरना अगर आप चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। वैसे देखिए इसका अभी प्राइस है 30,000 रुपए, लेकिन SBI के क्रेडिट कार्ड की मदद से आपको मिलेगा एक्जैक्टली 5,500 रुपए का डिस्काउंट, मतलब एक्चुअली इसका अल्टीमेट प्राइस हो जाएगा 22,000। आप बोलेंगे कि 2,000 और कैसे डिस्काउंट, देखिए नीचे क्या लिखा है, कूपन डिस्काउंट 2,000 रुपए का। तीसरे में हमेशा बोलता हूँ जब भी अमेज़न का कोई प्रोडक्ट लेना है स्मार्टफोन से ओपन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप सेम प्रोडक्ट को PC या फिर लैपटॉप से ओपन करेंगे तो जो एक्स्ट्रा वाला जो ऑफर वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर मैं इसके ऊपर देखिए ये जो अप्लाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, पहली बार तो इसके ऊपर 2,000 रुपए माइनस होगा, फिर उसके ऊपर 5,500 का डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो यही था अमेज़न ग्रेट इंडियन सेल पे सैमसंग की तरफ से जो जो भी स्मार्टफोन है उसके तरफ से ऑफर। देखिए मुझे और भी लग रहा है कि और भी बहुत सारे फोन की तरफ से ऑफर मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल S23 Plus वो कहां पर गया, जो S23 Ultra वो कहां पर गया। मैंने तो सुना था कि S23 Ultra इस साल आपको मिलेगा 92,000 पे, मेरे ख्याल से वो सरप्राइज है, जब Amazon पे ऑफिशियली सेल शुरू होगा 8 तारीख से वो फोन भी आपको ऑफर के अंदर मिलेगा। तो मैं देखिए वीडियो का आखिर में इंचेस करना चाहूंगा मुझे सबसे बढ़िया कौन कौन सा ऑफर लगा। पहली बात तो जो गैलेक्सी M04 सैमसंग की तरफ से एक बढ़िया चॉइस है, गैलेक्सी M13 ये भी एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है, उसके बाद जो गैलेक्सी M34 5G ऑफर मिला के 15,000, नो डाउट एक बहुत ही बढ़िया डील है। मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ शायद 15,000 पे सबसे बेस्ट ऑलडन 5G स्मार्टफोन होगा गैलेक्सी M34 5G। उसके बाद वही सेम M14 5G प्राइस होगा ऑफर मिला के 10,000 के आसपास, नो डाउट एक बहुत ही बढ़िया डील है। A54 ओवरप्राइज्ड, A34 ओवरप्राइज्ड, S23 आईफोन का टोटली अल्टरनेटिव अगर आप चाहे तो ले सकते हैं, A14 5G ओवरप्राइज्ड, S22 अल्ट्रा नो डाउट 75,000 रुपीज के बहुत ही बढ़िया अल्टीमेट डिवाइस, और जो फाइनली S20 FE अगर आप ये फोन ना ले क्योंकि इसका जो एक्चुअल रिव्यू वो बहुत ही बेकार है। तो अभी आप मुझे कौन सा जरूर बताना कि आपको सभी फोन के अंदर मतलब सभी फोन डील्स के अंदर कौन सा सबसे बढ़िया लगा, आप इसमें से कौन सा लेना चाहेंगे। और हाँ, सभी फोन का मैंने बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपको कोई फोन चेकआउट करना है उसके अंदर ऑफर मिल रहा है कि नहीं, आपके डिवाइस में ऑफर मिल रहा है कि नहीं, सबका लिंक मैंने दे दिया है, उसमें जाके जरूर चेक कर लेना। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।